हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं एकदम बढ़िया, बस मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, जो आपको मेरे फेस से और मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन मुझे कहीं जाना था, उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। फिर मुझे अभी घर का काम करना है, खाना पकाना है और फिर निकलना है। और कहाँ जा रही हूँ वो थोड़ा सा सस्पेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ना बड़े बड़े ब्लॉगर्स देखे हैं जो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। तो मुझे भी बनता है कि मैं भी थोड़ा सस्पेंस रखूँ, भले ही मैं थोड़ी सी सस्ती और थोड़ी सी छोटी ब्लॉगर हूँ, लेकिन हूँ। तो गाइस जल्दी से फटाफट काम कर लेते हैं और खाना पीना कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए वेट करूँ। अभी मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, नहा ली हूँ और पूजा की तैयारी भी कर ली है। और मैंने जो सूट वेयर करा है ये मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत घटिया सिला है। अभी आया था, आपने ऊपर फोटो दिख रही होगी ये वाली साड़ी का, मैंने ये सूट बनवाया है जो इतना घटिया बनाया है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूँगी, तब आप देखना। मतलब बुटीक पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते, पैसे इसके इतने महंगे। हालाँकि मैंने अभी तक कुछ दिया नहीं और मैं इसको देख के अब देने वाली भी नहीं हूँ कुछ। चलो इसके बारे में बाद में बात करूँगी। अभी क्या, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। 12:30 हो रखे हैं और 6 बजे वहाँ पे पूजा होती है, तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे घर पे मतलब। और आज 9वीं और 10वीं है ना, तो हमारे यहाँ पे ना गुग्गा, जिसको नीले घोड़े वाले बोलते हैं, उनकी पूजा होती है हमारे यहाँ पे। निशान चढ़ता है भाई की शादी के बाद, तो बस वो करवाने जा रहे हैं। जल्दी से पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताती रहूँगी। अभी हो गई हूँ मैं पूरी तरीके से तैयार और मैंने पहनी है ये कंफर्टेबल सी कुर्ती, ताकि मेरे को सफ़र में कोई भी दिक्कत ना आए। बस अभी निकलते हैं, वैसे ही मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अभी मैं निकल चुकी हूँ। मन नहीं कर रहा क्या? चलो जाओ, मैं चल जाऊंगी फोन के। ठीक है, जाओ आप, जब तुम्हें कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक ले पाऊंगी। चल जाओ जाओ। यार अभी मैं बस में तो उतर गई और बाइक को लगेंगे और 10-15 मिनट मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। वैसे तो बढ़िया लग रहा है यार, काम में कुछ भी बात हो, मतलब गांव के पास आ गए, मजा से तो आ रहे हैं, बढ़िया सा लग रहा है। पर यार ज़्यादा देर बैठूंगी तो वहीं लगेगा, मौज ही सब देख रहे हैं। अभी तो लगेगी 20 मिनट और, वो आ रहा है उधर से। वैसे तो यार रिक्शा खड़ी है, जाने का मन कर रहा है, पर यार मज़ा सा नहीं आएगा ऐसे गाँव में जाने में, इसलिए नहीं जा रही हूँ। धीरे धीरे बोल रही हूँ, अभी पहले से वेट कर रही हूँ भाई का, भाई आ जाएगा फिर जाएगा। ताई भी पहुँच गए, भाभी, प्रशांत और प्राक्षी। ससुराल गई थी यार, इसकी बेचारी मिलाई नहीं मिली, बताओ। प्रॉक्सी क्यों गई तो फिर फर्स्ट में। चल कोई नहीं, आ ले लियो ठीक है, मेरी अपनी दोनों के ले लेंगे, ये बैठ नहीं आके मिलाई देने वाली। ठीक है ठीक है, अब घर पहुंचने वाले हैं बस। राम राम ताई, राम राम, राम राम। बहू को तो लिया, बहू नाई, राम तो बहू का आली। तू मतलब मेरा न रह रहा है ना। और है तो तेरा भी। हाँ, लो ये आगे बो। इतना ऊंचा होने लगा तीन दिन। चलो तक जाओ। नहीं ये जन ऐसे ही बढ़ने लगे ताई। अभी जो नीले घोड़े वाले का निशान चढ़ाएंगे ना, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये कपड़ा और ये इस पे बंधेगा। ये भाभी जो पूजा पाठ करनी है उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी है। उठ के नहीं भागना भाभी, बैठ जाओ आराम से। किस तरह उठ गए? ये तो जाप पाता है ना। मैं तो नहीं भाग थी पापा से। ले ले मत, जो तो इच्छा है वो तो दो और कर दो। भाभी बैठी है अंदर, मैंने आई हूँ चाय देन। थोड़ी है नमक का, देखूं कुछ मिलेगा तो। अभी आई है भाभी ताऊ से मिलन, ताऊ भी स्वैग ले रहा है पूरे हाथ में बीड़ी। ए जिठानी खुश नहीं हुई भाभी है ना? नहीं खुश वाले आज हम तैयार के घूमन, मैं और भाभी,
काम तो कुछ है नहीं, घूमना तो पड़ेगा। है ताई, ताई नुगे मेरी वीडियो बना दे, मैं भी देख लूंगी। ताई के लिए पावना भी दिखाइए। ठीक है, पावना नहीं फिर सब देखेंगे, सब कुछ दिखाइए। हाँ बोल दे कुछ उनको, और भाई ठीक हो, राम राम। बुझा ताई कहाँ है ये? बोलो तो हम देखेंगे। हाँ भाई, हाँ उनको राम राम। राम बोल राजू, मुझे तो नहीं सुना, कहूँ किस तरह बोल देनी। कोई नहीं, बाद में बोल लेंगे सब। पहले आप बोलो उनको राम राम। राम राम भाई जी, तेरे बेटे तेरी उम्र लगा भगवान, सुन राके तू। जब भी गांव में आओ तो प्रसाद सबके घर दे के आओ। मतलब मैं अभी प्रसाद देने जा रही हूँ, और भाभी हो रही है तैयार, उन्हें लग रही है घनी गर्मी क्योंकि लाइट नहीं है। अभी ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये वाले, बस पूजा करने जा रहे हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, पीछे भाभी वगैरह सब रेडी हो गए हैं, हम दो तीन ही हैं, पूजा करके निकलेंगे फिर। तो गाइस जैसे ही मैं गाँव में आई तो मेरी प्यारी सी बहन ये कह रही मेरे को, आज नहीं मेरे को भी ब्लॉग में ले लो। मैं कह लो जी, पता है मैं क्यों नहीं लेती बाबू, फिर बाद में ना फिर ये बोलते हैं हटा दो, मैं डिलीट कर दो मेरे का, अच्छा नहीं लगता नहीं है। लेकिन ऐसे बोल देना तो मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कल ही आएगा, बहुत कल ही दिखेगी किट्टू। बोलो कुछ, हेलो हाय बाय। सो गाइस किट्टू पहले ये क्या था, ये पहले पूछ रही है, अगली बार आओगे ना तब पहले ही बता देना, तब हम दोनों रील्स बनाएंगे, ठीक है? जलने वाले तो ऐसे जलाएंगे, वो वायरल जाएगी। बस अभी चलते हैं पूजा करने, अब पूजा करके फिर निकलेंगे। तो गाइज ये अभी निशान चढ़ने जा रहा है, प्रसाद ने पकड़ लिया है। कामना पूर्ण करिए बाबा जी, हर वीर गुग्गा महाराज जी थारी जय हो बेटा, बने रहो गुरु महाराज बनाओ रखा, थारी जय जयकार होती रहे। चलते रहो बच्चा, चलते रहो, कुबाची करते रहो, कुबाची करते रहो, निशान आगे। तो हम आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, आगे खाना वाना खाया, अभी मुझे नींद आ रही थी और मैं एडिटिंग कर रही थी,
तो फिर मैंने देखा कि मैंने ब्लॉग की एंडिंग तो की नहीं है, फिर मैंने सोचा चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो मेरे ब्लॉग्स देखे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार ब्लॉग बनाना, पता नहीं क्यों बस अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। सो बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।